स्वागत है आपको vidiq.com पर मेरे ट्रेनिंग में। और आज हम बात करने जा रहे हैं पल्स पोलियो में आपको कब क्या करना है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया नीचे का लाल सब्सक्राइब बटन को दबा के इसको अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई भी चार्जेस भी आपको देने नहीं पड़ेंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इस बार पल्स पोलियो 2018 में क्या क्या चीज़ है। दोस्तों इस बार के पल्स पोलियो जो होने वाला है वो है 28 को, जनवरी का महीना, नेक्स्ट संडे जो आने वाला है उसी में है। और अगर आपके घर में 0 से 5 साल के बीच में कोई भी बच्चा है तो उसको पोलियो का 2 खुराक जरूर पिलाएं। दोस्तों उस दिन होगा बूथ एक्टिविटी, यानी वर्कर, 4 वर्कर रहेंगे आपके निकटवर्ती शास्त्र केंद्र या फिर कोई भी स्कूल या फिर कोई भी क्लब के साइट में वो लोग बैठे रहेंगे, जहां वहां के आपको जाके बच्चे को 2 घूंट पोलियो के आपको पिलाना है। अगर आपने कोई कारणवश उसको मिस कर दिया तब वो लोग नेक्स्ट 2 दिन यानी 29 और 30, 2 दिन जनवरी के 2018 को वो लोग आपके हाउस टू हाउस विजिट करेंगे और तब वो लोग आपके घर में भी बच्चे को खिलाएंगे। तो अगर आपने 28 को कोई कारणवश मिस कर दिया तो आपके पास 29 और 30 जनवरी भी है बच्चे को खिलाने के लिए। लेकिन दोस्तों अगर आप 28 को खिलाते हैं, अगर आपका कुछ हार्ड एंड फर्स्ट आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है तब आपके लिए बेहतर है, क्योंकि वो ज़्यादा फ्रेश रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा पहला दिन। तो बस इतना ही दोस्तों। और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बोलने वाला हूँ, कब आप अपने बच्चे को पोलियो नहीं खिला सकते, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके बच्चे में कुछ कंडीशन है वो है तो आप 28 को आपको बच्चे को पोलियो मत खिलाइए। अगर उसका डायरिया है या फिर उसको बहुत जोर का फीवर है या फिर ऐसा कुछ हेल्थ कंडीशन है कि वो बेड रिडन है और वो उठ नहीं पाता, या फिर उसका जो कंडीशन है वो अंडर डॉक्टर सुपरविजन है, अगर ऐसा कुछ कंडीशंस है तब आप अपने बच्चे को पोलियो मत दीजिए। उसको अगर रिकवरी हो जाता है नेक्स्ट डे तब आप उसको 29 या 30 को भी पोलियो दे सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी कंडीशन पे आपके बच्चे को पोलियो दे सकते हैं। तो दोस्तों बस इतना ही इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। देखने के लिए धन्यवाद।